आपने देखा कि तुलनात्मक लाभ हानि खाते का प्रारूप क्या है। अब आइए तुलनात्मक लाभ हानि खाते से संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को हल करते हैं। स्टार लिमिटेड के निम्नलिखित लाभ हानि विवरण की जानकारी से 31 मार्च 2011 एवं 2012 के लिए तुलनात्मक लाभ हानि खाता बनाइए। यहाँ पर विवरण में दिया गया है परिचालन से आय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर ईयर 2012 20 लाख, फॉर ईयर 2011 16 लाख, कर्मचारी कल्याण व्यय एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस फॉर 2012 10 लाख, फॉर 2011 8 लाख, अन्य व्यय अदर एक्सपेंसेस फॉर 2012 1 लाख, फॉर 2011 2 लाख। इसके बेस पे हमको एक कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है 31 मार्च 2011 एंड 12 के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका, जैसे कि हमने वीडियो में देखा कि 6 कॉलम का एक फॉर्मेट तैयार कर लेंगे, एक जिसके अंतर्गत हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे, जिसके फर्स्ट कॉलम में रहेगा पर्टिकुलर यानी कि विवरण, और सेकंड कॉलम नोट का रहेगा, थर्ड कॉलम रहेगा 31 मार्च 2013 की अमाउंट के लिए जिसे हम ए का नाम दे सकते हैं, और फोर्थ कॉलम रहेगा 31 मार्च 2014 की अमाउंट के लिए जिसे हम बी नाम दे सकते हैं, फिफ्थ कॉलम रहेगा एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज के लिए जिसे हम लिख सकते हैं C इक्वल टू B माइनस A, और नेक्स्ट यानी कि लास्ट कॉलम हमारा रहेगा परसेंटेज चेंज इंक्रीज और डिक्रीज जिसे हम एक फॉर्मूला बेस पे लिख सकते हैं D इक्वल टू C अपॉन A इनटू 100। और पहले भी हमने इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न देखे लेकिन वहां पर हम एक कंपेरेटिव बैलेंस शीट बना रहे थे, यहाँ हम कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं। फॉर्मेट दोनों का सेम है लेकिन पर्टिकुलर्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर हम उन सभी मदों को यूज करेंगे जो कि हमने लाभ हानि विवरण के प्रारूप में देखा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि 31 मार्च 2011 के लिए है 16 लाख, और 31 मार्च 2012 के लिए है 20 लाख। डिफरेंस अगर हम देखें, एब्सोल्यूट चेंज अगर हम देखें तो वो हो जाएगा 4 लाख, और इसके बेस पे अगर हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करें तो वो हो जाएगा 4 लाख इनटू 100 डिवाइडेड बाय 16 लाख यानी कि 25%। फॉर्मेट में हमने देखा कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम एक्सपेंसेस जो है वो माइनस कर देते हैं, तो एक्सपेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं 2011 के लिए 8 लाख, तो एक्सपेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं 2011 के लिए 2 लाख और 2012 के लिए 1 लाख, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे, और एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट हम कर लेंगे पहले। तो हम देख रहे हैं कि 2 लाख माइनस 1 लाख यानी कि 1 लाख का एब्सोल्यूट चेंज आ रहा है, और परसेंटेज हम इसका कैलकुलेट करें तो 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 लाख यानी 50% का चेंज आ रहा है। अब इसमें से हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी माइनस कर दें तो वो है 2011 के लिए 8 लाख और 2012 के लिए 10 लाख। एब्सोल्यूट चेंज हम इसका निकाल रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि 2 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है, 2 लाख एब्सोल्यूट चेंज है, परसेंटेज चेंज अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8 लाख यानी कि 25% का चेंज हुआ है। अब हम टोटल अगर हम कर लें एक्सपेंसिस का तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 लाख प्लस 8 लाख 2011 के लिए 10 लाख आ रहा है और 2012 के लिए यह आ रहा है 11 लाख। एब्सोल्यूट चेंज का अगर हम टोटल करें तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 लाख आ रहा है क्योंकि एक बार कमी हुई है और एक बार वृद्धि हुई है, तो ये 1 लाख आ जाता है, और परसेंटेज चेंज हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लें 1 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10 लाख तो ये 10% हो जाएगा। अब हम डिफरेंस निकाल लें तो हम देखते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हम देखते हैं कि 31 मार्च 2013 के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 16 लाख, और जब उसमें से हम टोटल एक्सपेंस माइनस कर देते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाता है 6 लाख। 2014 के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 20 लाख, और उसमें से जब हम टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं 11,000 तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाता है 9 लाख क्योंकि अभी तक हमने इसमें टैक्स माइनस नहीं किया है। एब्सोल्यूट चेंज देख लें तो 6 माइनस 9 यानी कि 3 लाख एब्सोल्यूट चेंज आ रहा है,
जिसका अगर हम परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना चाहें तो 3 लाख × 100 डिवाइडेड बाय 6 लाख यानी 50% हमको यहाँ पर परसेंटेज चेंज देखने को मिल रहा है। ये तो हमने बात कही तुलनात्मक लाभ हानि खाते और तुलनात्मक आय विवरण की। अब हम इसके दूसरे उपकरण जिसकी बात हमने पहले की थी, जिसके बारे में हमने जाना था, सम आकार विवरण, इस पर हम आ जाएं। ये दूसरा मेथड है, दूसरी उसकी टेक्निक है। हालांकि हमने 7 टेक्निक देखा, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर अपने 12th के स्टैंडर्ड में केवल 2 उपकरणों का ही अध्ययन करेंगे। तो सेकंड जो है वो है सम आकार विवरण, यानी कि कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्या है सम आकार विवरण, इसके बारे में हम जानें। तो सम आकार जो विवरण होता है, इसके अंतर्गत जो मदें लिखी जाती है उनको एक तो प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है, और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये कि इसके अंतर्गत चिट्ठे में दर्शाई गई जो मदें होती हैं उनका कुल संपत्ति और कुल दायित्व से प्रतिशत क्या है, यानी उनका अनुपात क्या है, इसकी कैलकुलेशन की जाती है। एक महत्वपूर्ण बात इसके बारे में ये जान लेना जरूरी है कि जब हम संपत्ति और दायित्व से इन मदों का प्रतिशत कैलकुलेट करते हैं तो उसके कुछ अलग अलग आधार होते हैं, अलग अलग फॉर्मूले होते हैं कह सकते हैं हम। तो पहला जो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं वो होता है आय की मदों के लिए, और इसके लिए हम कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, आय की मदें बराबर आय की व्यक्तिगत मदें गुणित 100/ कुल विक्रय। दूसरा, यहाँ पर जब हम स्थिति विवरण की मदों की बात करते हैं, जहाँ पर हमको संपत्ति और दायित्व के आधार पर प्रतिशत कैलकुलेट करना होता है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एक तो संपत्ति की व्यक्तिगत लागत गुणित 100/ संपत्ति, कुल संपत्ति, और दूसरा जब हम दायित्व की बात करते हैं तो दायित्व की व्यक्तिगत मदें गुणित 100/ कुल दायित्व। तो इन फॉर्मूले के आधार से हम बहुत आसानी से स्थिति विवरण की जो मदें होती हैं उनका या तो संपत्ति या तो दायित्व, जैसे भी जरूरत है उसके आधार पर हम प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब हम बात करें इसके उद्देश्यों की, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें विभिन्न मदों में हमें परिवर्तन का जो की जो जानकारी होती है वो बहुत आसानी से हमको पता चल जाती है कि संपत्ति और दायित्व जो है उनमें किस तरह का परिवर्तन आया है, कमी हुई है या वृद्धि हुई है, ये पता चल जाता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य इसका ये होता है कि समस्त संपत्ति और दायित्व की प्रवृत्ति का पता चल जाता है, यानी कुल मिलाकर वही बात है कि बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं, बढ़ने की प्रवृत्ति है या घटने की प्रवृत्ति है, इसकी जानकारी हमको बहुत आसानी से हो जाती है। और एक उद्देश्य इसका ये भी हो सकता है कि इसके आधार पर समान व्यवसाय करने वाली जो संस्थाएँ होती हैं, जो फर्में होती हैं, उनका एक तुलनात्मक ब्यौरा प्रस्तुत किया जा सकता है, और साथ ही साथ अन्य जो फर्में होती हैं उनकी जो वित्तीय स्थिति होती है उनका एक सामान्य वित्तीय स्थिति का भी पता आसानी से लगाया जा सकता है। तो अगर हम बात करें सम आकार स्थिति विवरण की, तो आइए देखते हैं कि इसका प्रारूप क्या होता है और इससे संबंधित जो वित्तीय मदे हैं उनको किस प्रकार से इसके अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है। सम आकार स्थिति विवरण के प्रारूप के अंतर्गत हम 6 कॉलम वाला एक फॉर्मेट बनाएंगे, जिसके अंतर्गत हम फर्स्ट कॉलम में पर्टिकुलर लिखेंगे, सेकेंड कॉलम में हम नोट नंबर लिखेंगे, थर्ड कॉलम में थर्ड और फोर्थ कॉलम दोनों मिलकर एब्सोल्यूट अमाउंट का कॉलम हो जाएगा, जिसमें से एक थर्ड नंबर वाला जो कॉलम है वो प्रीवियस ईयर के लिए होगा और फोर्थ नंबर का जो कॉलम है वो करंट ईयर के लिए होगा। बिल्कुल इसी तरह परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल का जो फिफ्थ और सिक्स पॉइंट है वो जुड़ा रहेगा, जिसमें से फिफ्थ जो कॉलम है वो प्रीवियस ईयर के लिए होगा और सिक्स जो कॉलम है वो करंट ईयर के लिए होगा। तो आइए देखते हैं कि किन किन मदों को इनमें शामिल किया जाएगा, पर्टिकुलर्स में हम इसकी एंट्री करेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट होगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, और इसमें फर्स्ट जिसमें मेन हेडिंग होगी इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज, और इसका फर्स्ट पॉइंट होगा शेयर होल्डर फंड। इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा ए शेयर कैपिटल, बी इक्विटी शेयर कैपिटल, सी प्रिफरेंशियल शेयर कैपिटल, डी रिजर्व एंड सरप्लस। इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा शेयर कैपिटल को, और शेयर कैपिटल के अंतर्गत इक्विटी शेयर कैपिटल और दूसरा प्रिफरेंशियल शेयर कैपिटल इंक्लूड होंगे। पॉइंट बी में आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, और सेकेंड हेडिंग होगी नॉन करेंट लाइबिलिटीज, जिसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स,
और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। थर्ड हेडिंग होगी करेंट लायबिलिटी, जिसमें फर्स्ट पॉइंट होगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, सेकेंड पॉइंट होगा ट्रेड पेबल, थर्ड पॉइंट होगा अदर करेंट लायबिलिटीज और फोर्थ पॉइंट होगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। फिर हम इसको टोटल कर लेंगे और अब सेकेंड पार्ट बनाएंगे इसी के अंतर्गत एसेट्स का, जिसमें फर्स्ट हेडिंग आएगी नॉन करेंट एसेट्स, पहला बिंदु इसमें होगा फिक्स एसेट्स का और इसके अंतर्गत टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स को शामिल किया जाएगा, दूसरा यानी बी पॉइंट होगा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, तीसरा होगा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। सेकेंड मेन हेडिंग होगी करेंट एसेट्स की, जिसमें सबसे पहले आएगा करेंट इन्वेस्टमेंट ए, बी इन्वेंट्रीज, सी ट्रेड रिसीवेबल, डी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ई शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, एफ अदर करेंट एसेट्स, और फिर हम एसेट्स को भी टोटल कर लेंगे। तो जिस प्रकार तुलनात्मक आय विवरण और तुलनात्मक लाभ हानि खाता हमने देखा, बिल्कुल उसी प्रकार सम आकार आय विवरण का जो एक आय विवरण खाता होता है और साथ ही साथ लाभ हानि विवरण भी सम आकार के लिए एक अलग से बनाया जाता है। तो आइए देखें कि सम आकार लाभ हानि खाता क्या दर्शाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वास्तव में एक ऐसा प्रारूप होता है जिसके अंतर्गत हम शुद्ध संचालन क्रियाओं से आगम की जो रकम होती है उसको एक बार तो हम उसको 100 मान लेते हैं, क्योंकि प्रतिशत के आधार पर हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, 100 मान लेते हैं और बाद में सभी मदों की राशियों को शुद्ध संचालन क्रियाओं से आगम के प्रतिशत के रूप में हम दर्शाते हैं। और अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें कि सम आकार लाभ हानि विवरण के उद्देश्य क्या है, तो लगभग वही उद्देश्य होते हैं जो अन्य लाभ हानि खातों के होते हैं। कुछ विशेष उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो सम आकार लाभ हानि विवरण से समस्त मदों का जो संचालन आगम से संबंधित होते हैं उनका हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर हम लाभ हानि विवरण के समस्त मदों का संचालन आगम के परिवर्तन से भी उनका हम विश्लेषणात्मक एक अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा, इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो एक समान व्यवसाय करने वाली संस्थाओं की लागत या फिर उसकी कार्य क्षमता, इन दोनों के बारे में हम उसकी जांच कर सकते हैं। तो अपने आप में काफ़ी इसके लाभ होते हैं, लेकिन किस प्रकार से बनाया जाता है, किन किन मदों को फॉलो किया जाता है, उसको जानने के लिए आइए इसके प्रारूप पर एक नज़र डालें। तो आपने देखा कि किस प्रारूप में लाभ हानि विवरण इसके अंतर्गत बनाया जाएगा। अब आइए इससे संबंधित कुछ क्रियात्मक प्रश्नों को देखें। निम्न सूचनाओं के आधार पर सम आकार स्थिति विवरण तैयार कीजिए। इस बैलेंस शीट में हम देख रहे हैं, सबसे पहले विवरण के अंतर्गत संपत्तियां दी गई हैं। स्थायी संपत्ति फिक्स एसेट 2010 के लिए 3 लाख, 2011 के लिए 3,60,000, फिक्स एसेट 2010 के लिए 3 लाख और 2011 के लिए 3,60,000, इन्वेस्टमेंट दिया गया है 2010 के लिए 50,000 और 2011 के लिए 50,000, करंट एसेट्स है 2010 के लिए 1,50,000 और 2011 के लिए 1,05,000, कैपिटल एंड लायबिलिटीज है इक्विटी शेयर कैपिटल 2010 के लिए 2 लाख, 2011 के लिए 2 लाख, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल है 2010 के लिए 50,000, 2011 के लिए 50,000, रिजर्व एंड सरप्लस है 2010 के लिए 50,000, 2011 के लिए 60,000, लोन दिया गया है यहाँ पर सिक्योर्ड लोन 2010 के लिए 1 लाख, 2011 के लिए 90,000, अनसिक्योर्ड लोन है 2010 के लिए 50,000, 2011 के लिए 60,000, करेंट लायबिलिटीज है 2010 के लिए 40,000, 2011 के लिए 44,000, प्रोविजन दिया गया है 2010 के लिए 10,000 और 2011 के लिए 11,000। इस क्वेश्चन में हमको सम आकार स्थिति विवरण तैयार करना है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम वेरियस लायबिलिटीज जो है उनको अलग अलग हेडिंग में बांट कर लिख लेंगे, जिसमें सबसे पहले दिया गया है कैपिटल एंड रिजर्व। ये जो हमारी हेडिंग आएगी इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से पॉइंट आएंगे। सबसे पहले आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि क्वेश्चन में 2010 के लिए दिया गया है 2 लाख और 2011 के लिए दिया गया है 2 लाख। इसमें हमको सेकेंड दिया गया है प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल, जो कि 2010 के लिए है 50,000 और 2011 के लिए भी है 50,000। और थर्ड हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिजर्व एंड सरप्लस।
तो इतनी जो चीजें हैं उनको हम कैपिटल एंड रिजर्व के अंतर्गत लिखते हैं, जैसे कि हमने बैलेंस शीट के फॉर्मेट में देखा था। अब ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है वो 2010 के लिए है 50,000 और 2011 के लिए है 60,000। इसका हम यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे इसकी टोटल अमाउंट के बेस पे, क्योंकि टोटल अमाउंट अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिजर्व एंड सरप्लस की कैपिटल एंड रिजर्व की जो टोटल अमाउंट है वो 2010 के लिए है 3 लाख, यानी 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000 3 लाख, और 2011 के लिए है 2 लाख प्लस 50,000 प्लस 60,000 यानी 3 लाख 10,000। इसके ये जो टोटल अमाउंट है इसके बेस पे हम परसेंटेज कैलकुलेट करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 लाख, इसका हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे कि टोटल जो हमारा कैपिटल रिजर्व है उसका ये कितना परसेंट है। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 2 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3 लाख, तो ये आ जाएगा 40%। परसेंटेज वाले कॉलम को अभी हम ब्लैंक छोड़ेंगे, जब हमारा टोटल हमारी जब लाइबिलिटीज और टोटल एसेट्स हो जाएगा उसके बाद हम परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि और कौन कौन सी लाइबिलिटी है हमारे पास। तो यहाँ पर है हमारा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है सेकेंड, जिसमें दो पॉइंट है, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। 2010 के लिए सिक्योर्ड लोन है 1 लाख और 2011 के लिए सिक्योर्ड लोन है 90,000। अनसिक्योर्ड लोन दिया गया है 2010 के लिए 50,000 और 2011 के लिए 60,000। तो टोटल जो लॉन्ग टर्म ये सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन जो है वो टोटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टोटल जो हमारे पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है वो है 1,50,000 2010 के लिए और 1,50,000 2011 के लिए। करंट लाइबिलिटी भी हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिसके अंतर्गत हमें दिया गया है करंट लाइबिलिटी के साथ प्रोविजन। तो सबसे पहले हम 2010 के लिए करंट लाइबिलिटी लिख लेंगे 40,000 और प्रोविजन लिख लेंगे 10,000, टोटल ये हो जाएगा 50,000। वैसे ही 2011 के लिए करंट लाइबिलिटी है 44,000, प्रोविजन है 11,000 और टोटल ये करंट लाइबिलिटी है 55,000। अब हम टोटल लाइबिलिटी कर लें, यानी कि कैपिटल एंड रिजर्व प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज प्लस करंट लाइबिलिटी, इन तीनों का अगर हम टोटल करते हैं तो 2010 के लिए हमारी टोटल लाइबिलिटी आ जाती है 3 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 50,000 यानी कि 5 लाख। और वैसे ही 2011 के लिए हमारी टोटल लाइबिलिटी आ जाती है 3,10,000 1,50,000 और 55,000 यानी कि 5,15,000। अब हम परसेंटेज कैलकुलेट कर लें, तो जैसे कि हमने देखा वीडियो में कि सम आकार स्थिति विवरण के लिए जो परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं वो टोटल एसेट्स या टोटल लाइबिलिटी के बेस पे कैलकुलेट करते हैं। और फिलहाल क्योंकि यहाँ पर हम लाइबिलिटीज की एंट्री कर रहे हैं तो लाइबिलिटी के बेस पे हम यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं एसेट्स में, तो एसेट्स में दिया है हमको फिक्स एसेट्स 2010 के लिए 3 लाख, 2011 के लिए 3,60,000। इन्वेस्टमेंट दिया गया है 2010 के लिए 50,000 और 2011 के लिए 50,000। करंट एसेट्स दिया गया है 2010 के लिए 1,50,000 और 2011 के लिए 1,05,000। तो टोटल यहां पर अभी हम देख रहे हैं कि टोटल एसेट्स जो है वो है 5 लाख फॉर 2010 एंड 5,15,000 फॉर 2011। अब यहां पर क्योंकि हमको परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो आप सबसे पहले जब हम एसेट्स के लिए परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल अमाउंट है 5 लाख फॉर 2010 के लिए और 2011 के लिए 5,15,000। इसी को बेस मानकर हम एसेट्स के लिए परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले जब हम फिक्स एसेट्स के लिए परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 लाख इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5 लाख यानी कि 60%। वैसे ही इन्वेस्टमेंट के लिए हो जाएगा 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 लाख यानी 10%। और इसी तरह करंट एसेट्स के लिए हो जाएगा 1,50,000 इंटू 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5 लाख यानी कि 30%। और टोटल इसका हो जाएगा 100। इसी तरह हम 2011 के लिए भी कैलकुलेट कर लेंगे परसेंटेज, तो 2011 के लिए फिक्स एसेट्स हो जाएगा 3,60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5,15,000 जो कि टोटल है इसका, तो ये आ जाएगा 69.90%। इन्वेस्टमेंट के लिए हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे 50,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई
5,15,000 तो ये हो जाएगा 9.7%। 1,05,000 करंट एसेट्स के लिए 1,05,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 1,15,000 तो ये हो जाएगा 20.40%। लाइबिलिटीज के लिए हम परसेंटेज ही कैलकुलेशन करेंगे। टोटल हमारी जो लाइबिलिटीज है वो 5,00,000 है, इसी पे हम सारे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल का हम परसेंट निकालेंगे टोटल लाइबिलिटी पे, तो ये हो जाएगा 2,00,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 5,00,000 यानी 40%। प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल के लिए हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे 2010 के लिए 50,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 5,00,000 10%। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 50,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 5,00,000 10%। टोटल कैपिटल रिजर्व है हमारा 3,00,000, इस पे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3,00,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 5,00,000 यानी 60%। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंतर्गत हम सिक्योर्ड लोन के लिए परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1,00,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 5,00,000 यानी 20%। अनसिक्योर्ड लोन के लिए हो जाएगा 50,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 5,00,000 10%। और टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के लिए हो जाएगा 1,50,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 5,00,000 यानी 30%। करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत हम परसेंटेज निकालेंगे 40,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 5,00,000 यानी 8%। प्रोविजन के लिए हो जाएगा 10,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 5,00,000 यानी कि 2%। 2010 के लायबिलिटी के लिए हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया। अब इसी तरह हम 2011 की लायबिलिटी के लिए परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए 2,00,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 5,15,000 यानी 33.84%। यहाँ हम देख रहे हैं कि 31 मार्च 2011 की जो टोटल लायबिलिटी है वो है 5,15,000 और इसी टोटल लायबिलिटी पे हम बाकी जो लायबिलिटीज है उनका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल हो जाएगा 5,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 5,15,000 यानी 9.70%। रिजर्व एंड सरप्लस है 31 मार्च 2011 के लिए 60,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 5,15,000 यानी 11.65%। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में सिक्योर्ड लोन हो जाएगा 90,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 5,15,000 17.48%। अनसिक्योर्ड लोन हो जाएगा 60,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 5,15,000 11.65%। इसी तरह करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत 44,000 इनटू 100 अपॉन 5,15,000 तो ये परसेंटेज रेट हो जाएगा इसका 8.54। और प्रोविजन के लिए हो जाएगा 11,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 5,15,000 यानी 2.14%। टोटल इसका अगर हम निकाले तो ये हो जाएगा 55,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 5,15,000 तो ये आ जाएगा हमारा 10.68%। निम्न चिट्ठा वर्ष समाप्ति 31 मार्च 2003 एवं 2004 को रेड्डी लिमिटेड का है। सम आकार स्थिति विवरण तैयार कीजिए।